आराम से ब्लॉग बनाते, फोटो नहीं लेते। ये देखो तो भाई साहब कितना ज्यादा आवाज कर रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज एक ब्लॉग नहीं है बल्कि सिंपली ब्लॉग है, और आज हम लोग जा रहे थे अपने ही सिटी में। एक हमारे यहाँ बहुत फेमस है जो कि देवी माई के नाम से जाना जाता है, खुरहट देवी माई। तो हमारा भांजा भी आया हुआ है हमारे साथ है। तो हम लोग प्लान था कि हम लोग जाने वाले थे वहीं पे माता जी का दर्शन करने के लिए, बट एक्चुअली में क्या होता है कि वहाँ पे अगर सबसे जो बेस्ट होता है पूजा पाठ करने के लिए वो है संडे को और ट्यूसडे को। आज है वेडनेसडे और हम लोगों को जाना था या तो संडे को या तो ट्यूसडे को। तो अभी हम लोगों को जाने का प्लान नहीं है। हम लोग अभी रतनपुरा वाले ही हाईवे पर इधर आए हुए, कहें कि चलते थोड़ा बहुत बस आए हैं तो क्या घूम लेते हैं। ये है मेरा भांजा, ये देखो मेरे से भी बड़ा है मेरा भांजा, लगभग मेरे एज से बराबर ही होगा लगभग में। अब मेरे को पता नहीं है लेकिन मेरे कहीं तक लगता है कि शायद मेरा भांजा ही मेरे से बड़ा होगा। और कुछ कहना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? नहीं बाबा कुछ नहीं, बस। तो यहाँ गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, बस अपना मूड ही खराब हो गया कि हम लोग इतना मेहनत करके आए हुए एकदम रेडी हो गए और बाद में फिर घर जाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से भी हम लोग जाते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। वही बस थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता बस वही है, उसके बाद सीधा घर। जस्ट फिलहाल थोड़ी देर पहले अपने मार्केट में आ चुके हैं, यहाँ पे खड़ी अपनी बुलेट और सुबह का टाइम है। अभी अब एक थम्स अप लिए हैं और एक छोटा वाला बस लिमका ले लिए हैं। तो बस अभी थोड़ी देर लेंगे और चलते हैं यहाँ सीधा घर। फिलहाल आ चुके हैं अभी नारियल पानी पीने के लिए, भगीना को ना नारियल पानी पीना, थोड़ा एनर्जी चाहिए था तो बस यहाँ पे रुक के है। आखिर में बहुत बड़ा बड़ा इसमें जूस कम है लेकिन है बहुत बड़ा। ये है नारियल पानी, चलते हैं पीते हैं, जिंदगी में बस यही। अभी घर जाते जाते ये मिल गया मेरे को अभिषेक भाई जो मेरे साथ पड़ा हुआ था। भाई क्या कहना चाहता है मेरे लिए, क्या कहना चाहता है, मेरी तारीफ करते तू बस। हाँ और कुछ आपको कभी सपोर्ट करें हम क्या, बस हवा निकल गई। चलिए बहुत बढ़िया, तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं शाम के टाइम पे अपने भगीना को घुमाने। वहाँ से यार मज़ा नहीं आया, चले गए घर। और फिलहाल इस टाइम पे संजीव भाई को भी लेके आ रखे हैं, एक्चुअली कहा है कि एग्जाम देने ये तो चले गए थे सुबह के टाइम पे, मैं घुमाने आया था। और ये विकास के भांजे, मतलब किस मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, संजीव के भांजे विकास है और मैं तो इनके बड़े बाबा के चाचा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चेहरा लड़का हूँ ना तो फिर भी मामा हुआ। तो ये नदी आए हुए हैं शाम के टाइम पे घूमने के लिए, ये नदी पूरा भर चुका है और खरपतवार से। तो उधर पुल बना हुआ है छोटा सा, उसमें जाने वाले। तो फिलहाल आ चुके हैं नदी के पास। हम लोगों का जो घाट हुआ है ना, घाट हम लोगों का छठ पूजा वाला उस साइड है, बट इस साइड ये छोटा सा जो ब्रिज बना हुआ है ना, देखो भाई साहब भयंकर वाला टैंक ले अगर नीचे लगाया गया और कुछ ऐसा ही बना हुआ है, तो ऐसा वाला देख के मेरे को पहली बार मज़ा आ गया। अभी इस पर चढ़े नहीं हैं, ऐसे वाले पुल पे चढ़े भी नहीं हैं। मैं सोच रहा था चढ़ने के लिए, मेरा बोल रहा है कि यहाँ से चलने वाले हैं। संजीव जा रहा है कहीं पे ना एक दोस्त का कार्ड वगैरह बंटवाने के लिए निमंत्रण, तो संजीव भाई तो चला जाएगा और हम विकास हो सकता है कि चल जाएंगे यहाँ से घर। और ये वाला ब्रिज है, पुल है छोटा सा, अभी तो ये बना हुआ है टेम्पररी, जो बोले तो टेम्परेरी बल बना हुआ है। फाइनली अपने भाई लोग तो आ चुके हैं। हाँ जी बोलो। हाँ यार इनको मजाक लग रहा है। हेलो गाइस, क्या कहना चाहेंगे आप?
हम यही कहेंगे कि हमारे भाई को फुल सपोर्ट कीजिए आप लोग। अपने भाई को नहीं, चैनल को सपोर्ट नहीं, भाई अपना चैनल तो बाद में, पहले भाई पहले चैनल नहीं बना था, पहले भाई बना था, भाई के बाद चैनल आया, भाई से चैनल है, चैनल से भाई नहीं है। दीदी वाला कार्ड बात नहीं। देखो गाइस, अंकुश भैया अभी बहुत, मैं पहले से मेहनत कर रहे हैं, अभी शादी कम से कम 12-13 दिन बचा हुआ है, हमको उम्मीद है। और अब हम बहुत दिन से ब्लॉग में आना चाहते थे, बट क्या करें नहीं आ पाते थे, मौका ही नहीं मिला, एक साथ मिल ही नहीं पाते थे। और अंकुश भैया हमारे यहाँ 20 दिन पहले ही कार्ड अपना दे दिए। अरे यार, अपनों को दिया जाता है पहले, 20 दिन पहले, हम हमारे यहाँ तो 10 दिन पहले याद किया। हाँ अंकुश भैया पहले याद किया हम लोगों को, अच्छा लगा। तो गाइस ये देखो, इस वाले गड्डी को ना देना है अब दीदी को, अंकुश भैया की दीदी को यही वाला गाड़ी देना है, बढ़िया है ना, स्प्लेंडर प्लस का टॉप मॉडल तो नहीं है, बट हाँ पुराना वाला है, वो इलेक्ट्रिक मीटर है, थोड़ा बदल गया है, हाँ मॉडल थोड़ा चेंज है, वो इलेक्ट्रिक मीटर वाला है। कितना स्प्लेंडर प्लस अपने टाइम पे हीरो वाली गाड़ी है एकदम, सोच लो कि सदाबहार, एवरग्रीन सदाबहार। हम लोग फूल का मजा लेंगे एक बार, फूल पे जाकर थोड़ा फोटो वोटो लेंगे और यहाँ से सीधा निकल लेंगे, क्या बोलते हैं, फोटो वोटो, भाई साहब फोटो वोटो हम लेते नहीं है, ब्लॉग बनाते फोटो नहीं लेते। ये देखो, ये देखो जीजू की गड़िया को, जीजे जीजे गाड़ी का मजा लिया जा रहा है इधर, जीजे 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 गाड़ी का इधर फुल पावर में सर्विसिंग हो रहा है। अंकुश भैया का अगर जीजा कभी इन फ्यूचर वीडियो देख ले तो मजा आ जाएगा भाई साहब, गाड़ी देने से पहले अंकुश भैया उसको भाई साहब कैसे कैसे चला रहे हैं उसका, तो भाई साहब कितना ज्यादा आवाज कर रहा है। आगे ला इधर ब्रिज पे, और इधर से फोन छूटा तो मेरा फोन गया भाई साहब, इसको फोन पकड़ने का, ये तो यहाँ भाई साहब पूरा वो क्या बोलते हैं, पैदाइशी वो क्या बोलते हैं, आराम से आराम। और ये जो पड़ा हुआ टैंक, इस टैंक के अंदर कुछ भी नहीं है, टैंक सिंपली खाली है, तो कुछ भी नहीं गाइस। और ये पड़ा हुआ भाई साहब का ही बवाल है, और यहाँ ये नदी का साइड है, तो इधर जितना भी आप लोगों को खेती वती जो सब दिखाई है, यहाँ सब तरबूज वगैरह दिखाई देगा, सबका सब तरबूज बोया गया है। और पानी वगैरह नदी में ना एकदम कम है, बहुत कम, हमको लग रहा है कि जमीन से बस 2-3 फीट होगा। चलो थोड़ा दिखाओ कि कहाँ कहाँ का सब अलग दे दिया है पिछले वाला बुलेट से, सब स्टार्ट करने का सिस्टम, हाँ स्टार्ट करने वाला इधर से दिया है, किक नहीं दिया है इसमें, जो किक मारने का होता है, और पटाखा फोड़ने के लिए इसमें दिक्कत है, पटाखा भी नहीं फूटेगा इसमें, और हजार लाइट दे दिया है, जैसे आपको चौक है, हाँ जाए मोड़ना है तो बाएं मोड़ना, सीधा जाना, हाँ तो आप इसको ये चालू कर दीजिए, आपको चारों इंडिकेटर चलेगा और आप सीधा जाइए, हाँ सही है, हाँ ये भी सही है, मौसम में ठंडी के मौसम, और कुछ और आगे का कुछ, हाँ और इसमें मॉडल भी चेंज है, इंजन भी चेंज है, प्लास्टिक दे दिया है, हाँ ये देखिए ये वाला प्लास्टिक दे दिया बुलेट का, तो ये थोड़ा अलग दे रखा है बुलेट, बुलेट का मतलब कि पूरा प्योर लोहा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्लास्टिक दे रखा है, तो कंपनी अब जानती है शायद इसका वजन कम करने के लिए शायद प्लास्टिक दी होगी, यही होगा ना, नहीं वजन। तो दोस्तों मैं टैंक में तो उतर चुका हूँ और टैंक पूरा खाली है, और इसमें कोई है क्या, कोई है, कोई नहीं है भाई साहब। ओ भाई वो देखो रस्सी है, हमको लगा साफ है क्या, एकदम बड़ा वाला, ये देखो ये भाई साहब। और ब्रिज के नीचे का कुछ इस तरीके से बनावट है, गाटर लगा के लगभग 8-8 इंची का गाटर है, नहीं 10-12 इंची का गाटर है इसका, मोट चौड़ा, और ब्रिज कुछ ऐसा है, तो ब्रिज मेरे को काफ़ी पसंद आया, आपको कैसा लगा। अरे चला ना। अब गाइस ये देखो भैया मछली पकड़े हैं, छोटे हमारे भैया हैं, कहाँ है बाजार बेचने, देखो गाइस दो मछली है, ये बड़ा सही है, मतलब यहाँ के बच्चे पॉकेट मनी निकालने के लिए आएंगे नदी में, मछली मारेंगे और ले जाकर दो को बेच देंगे, एक मछली किसी ना तो 75 रुपये से ऊपर बेचेंगे, यानी कि 150 से 100 रुपये से 150 का काम तो हो जाएगा, तो पॉकेट मनी निकल गया, ये बड़ी अच्छी बात है यार, जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं। अबे गजब, अरे 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 भाई साहब, ओ भाई
ये सब तो गर्दिश में जा रही है भाई साहब। ओ भाई लो छोटू काल बा ओ भाई ये देखो पूरा ये भाई पूरा गर्दा गर्दा होगा। मेरे को लगा कि मैं तो गया नीचे मट्टी में पूरा गर्दा गर्दा। ओ भाई गाड़ी में तो पूरा मट्टी घुस गया। ये देखो पूरा सेंसर में पूरा ये देखो भाई ये देखो पूरा मट्टी मट्टी हो गया।